दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के ऊपर एक स्पेशल एग्जीबिशन जो रखा गया था साउथ मुंबई में वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ पूरे डिटेल में। आज तक मैंने मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए। आई माई सेल्फ हैव लॉस्ट काउंट ऑफ द नंबर ऑफ वीडियोस आई हैव मेड। हर टाइप के वेदर कंडीशन में, धूप बारिश में, हर टाइप के कंडीशन में मैंने जाके वहाँ वीडियोस शूट किए ऑन साइट। आपको मैं दिखाता था कि कैसे वहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियोस देखे हैं। लेकिन आज का वीडियो जो है वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, जहाँ पे मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के जो टॉप 50 फोटोग्राफ्स है वो दिखाए गए हैं, और उसके साथ जो फाइनल रेंडरिंग है यानी मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट जब पूरी तरह से बन जाएगा तब वो कैसे दिखेगा एकदम इन रियलिटी, हाउ इट विल लुक, हाउ मुंबई विल लुक, द इंटरचेंजेस, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, एवरीथिंग यू आर गोना सी दैट इन डिटेल। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगे, तो अभी से वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि ये वीडियो और बहुत सारे ऐसे वीडियोज मेरे चैनल पर आते रहते हैं। तो दोस्तों ये हम आ गए नरीमन पॉइंट। अब यहाँ पे NCPA है जहाँ पे वो एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया गया है। अब NCPA क्या है? NCPA इज द नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो ये जो जगह है यहाँ पे बहुत सारे प्लेज होते हैं, जो ऑन स्टेज पे थिएटर आर्टिस्ट जो परफॉर्म करते हैं वो सारी चीज़ों के लिए ये जगह बहुत ही प्रख्यात है। तो आइए दोस्तों अंदर चलते हैं। तो फाइनली अभी हम पहुंच गए हैं एग्जीबिशन के मेन हॉल में। तो ऐसे कुछ यहाँ पे फोटोग्राफ्स है, ऐसे कुछ यहाँ पे सेटअप किया गया है, बहुत ही हाई क्वालिटी फोटोग्राफ्स राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द स्टेज वी आर एट राइट नाउ। तो ये देख के बहुत ही अच्छा लगता है कि इतने अच्छे से डिटेल में ये लोगों ने यहाँ पे इसे लगाया है, जिससे कि आपको भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है, छोटे छोटे डिटेल्स के बारे में यहाँ पे आपको पता चलता है। तो एनीवेज अभी मैं यहाँ पे बीच में रोकता हूँ और आपको मैं डायरेक्टली पूरी तरह से जब कंप्लीट हो जाएगा तो कैसे लगेगा वो आपको अभी इन डिटेल में दिखेगा।
I wake up every minute with a fever dream. I push a mind to a limit where it needs to be. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns out with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hating like a hobby. I'm out here making moves like a lobby. And if you ain't with me, it's your loss, see. I got my mind on the facts, I'm a python. Grab what I like real fast, choke until I have everything I attack. Everything that I lack, everything that I want and I see, matter of fact. I'm my own worst enemy. Only if I let it be, I can control anything. If I can just think carefully, I control my destiny. Deep up in my mind I manifest it. Every morning I wake up obsessed and everything I do the best. And deep within my mind you know I'll always manifest it. दोस्तों, तो प्रशासन ने यहाँ पे मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के लिए एग्जीबिशन रखा है। इससे ये पता चलता है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो मुंबई के इतिहास में कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। यानी ऐसे प्रोजेक्ट्स बहुत ही रेयर होते हैं जो पूरा मुंबई का ही नहीं पूरे इंडिया का नक्शा ही चेंज कर देंगे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी बड़ी चीज़ों की एक शुरुआत है और मुंबई से ही शुरुआत होती है पूरे भारत में। Only if I let it be, I can control anything. If I can just think carefully, I control my destiny. Deep up in my mind I manifest it. Every morning I wake up obsessed and everything I do the best. And deep within my mind you know I'll always manifest it. तो दोस्तों, ये था मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट का फाइनल लेआउट। तो आपको कैसे लगा ये ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। मुझे ये जानना है कि डिड इट क्रॉस योर एक्सपेक्टेशंस, डिड इट गो बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि मेरे एक्सपेक्टेशंस तो ज़रूर इसने क्रॉस कर दिया, क्योंकि मैंने शुरुआत से इसको कवर किया है लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना अच्छा बनेगा। क्योंकि इसमें आपको ये जो पूरा जो लेआउट है, जो इन्होंने पूरा फाइनल रेंडरिंग जो दिखाया है, उसमें आपको ये जो बस स्टॉप्स है, जो रिक्रिएशनल जोन्स है, जो गार्डन्स है, जो जो भी उन्होंने वहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए हैं वो आपको देखने मिले। तो इससे आपको ये पता चला होगा कि मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट सिर्फ एक रोड नहीं है जो साउथ मुंबई को वेस्टर्न सबर्ब से कनेक्ट करेगा, ये बहुत कुछ है। इसमें बहुत सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट की गई है। ये सारी चीज़ें मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट एक तरह से कुछ नई चीज़ें ला रहा है जो एकदम इंटरनेशनल लेवल की है। तो ये आपको इस वीडियो में देखने मिली। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो। अभी मैं बाकी के कुछ जो फोटोग्राफ्स है वो आपको दिखाता हूँ जो यहाँ पर लगाए गए हैं। I want it, gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality is tragedy, bruh.
So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized, we out here making posters. And we ain't got nothing to hide, we move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub, or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh, fuck the game up. Change up, rearrange stuff to your greatness. Famous for the way up, play the game, bruh. Never stop, don't get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest. There ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. I'm always burning with pain. She like to hurt me and maim. I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building a dynasty while the haters be trying me. But they hate from inside, you see, hate themselves in society. So I let them speak quietly while my actions speak quietest. See, they be hiding in privacy with the screen. Oh, the irony to hate someone who's trying to be whatever they would like to be. We all feel the anxiety, we make our own rivalries. Yo, so where is all the positivity? I feel like we all just hate on everything, it's killing me. Thoughts build quick, causing different possibilities. Negative thoughts will cause different disabilities. So do better, work hard under pressure. If you got no time, work smarter than ever. Don't ever let them tell you that you can't ever say never. And turn your mind into the truest of go-getters. Never stop, don't get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm